बाबा ने दर्शन के लिए पहली बार बुलाया है। देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु आदि गुरु अमरनाथ बाबा, उनके दर्शन का आज मौका मिला है और बाबा की कृपा है हम पे, इसलिए हम लोग सब साथ में आए हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के सरकार को, गवर्नमेंट को, पुलिस कर्मियों को और जितने भी हमारे सब भाई लोग आए यहाँ पे मिलिट्री में है। हम लोग देख रहे हैं कि रास्ते पे उन्होंने हमको हमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है। नीलग्रह से पंचतरणी तक जा रहे हैं और वहाँ से फिर 6 किलोमीटर जो है वो चलेंगे। ये एक हमने ऑप्शन रखा था कि अगर कुछ होता है, हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है तो चलने का भी, तो 2 दिन रखे यहाँ पे, लेकिन भगवान की कृपा है, महादेव जी की कृपा है, बाबा अमरनाथ की कृपा है, दर्शन हो। हेलीकॉप्टर में बैठते समय हमेशा फ्रंट साइड से जाना है, उतरने के बाद फ्रंट से ही वापस आना है। गलती से भी हेलीकॉप्टर के पीछे की साइड न जाएं। तकरीबन 600 से 650-700 आदमी आता है जो साइन बोर्ड के थ्रू है और हम 3 हेलीकॉप्टर के दौरान उसको ऊपर पहुँचाते हैं, फिर वापस नीचे भी लेके आते हैं। एंड रही फैसिलिटीज़ की बात, तो फैसिलिटीज साइन बोर्ड की है पूरा, तो अच्छा एक्मोडेट किया है उन लोगों ने। मेरा पूरा स्टाफ पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में बताता है पैसेंजर को कि भाई आपने कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, कैसे आपको बैठना है, क्या चीज़ अलाउड है हेलीकॉप्टर में, क्या नहीं अलाउड है, तो वो सब चीज़ें हैं जो हम बताते हैं जो सेफ्टी पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट है। बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं, आज एटमोसफियर भी अच्छा है, हम लोग जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का टाइमिंग हमारा 9 से 12 था। यहाँ पर हम लोग बड़ी दूर से मनोकामना लेकर आए हैं कि बाबा हमारी मनोकामना पूरी करें। यहाँ के CRP वाले इतने अच्छे हैं, यहाँ के सारी सुविधाएं इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हर एक चीज़ में हमारी वो मदद कर रहे हैं। हम लोग हैदराबाद से आए हैं बाबा बर्फानी जी का दर्शन करने, हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ सर्विसेस बहुत अच्छा दिया जा रहा है। हमारे को बहुत अच्छा लगा है, इधर मौसम भी अच्छा है और इधर नीलग्रह में जितना सर्विसेज दे रहा है, ये सर्विसेज के लिए हम बहुत खुश है। जो भी प्रॉब्लम है, हमारे को दिक्कत है, वो क्लैरिफिकेशन हो सभी इधर ऑफिसर से और CRPF आर्मी जवान से पूछने से भी, सभी लोग हमको मदद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो जन्मों जन्मों के पुण्य थे वो अब सफल हो रहे हैं। यहाँ पर पहुँचना ही एक बड़ी बात है और बाबा जी की कृपा होती है वही यहाँ पहुँच पाते हैं। और ये असीम कृपा का हम इसका रोमांच जो है हम लोग सब फील कर रहे हैं। हमारे जो हृदय है बाबा की असीम कृपा से भर गया है और उनका जो वास्तव्य रहता है, उनका जो साक्षात्कार होता है वो यहाँ से, ये जो बोलते हैं ना महादेव जी का स्थान है, भगवान शिव जी का स्थान है सहस्त्रार, भगवान यहाँ पे बैठते हैं और आज भगवान ने वो सब देखने के लिए बुलाया है।